अगर आप ये समझते हैं ब्रांड सिर्फ एक कंपनी हो सकती है या प्रोडक्ट हो सकता है, मैकडॉनल्ड, केएफसी, केलॉग, अगर यही ब्रांड हो सकते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत है। Hi, my name is Suresh Mansharamani, co-founder of serial entrepreneur with 42 plus years of experience, three-time TEDx speaker, author of 5 books, 6 books is in publishing, and a presidential awardee. दोस्तों आप खुद एक ब्रांड हो सकते हैं, पर्सनल ब्रांड। आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांड क्या है और पर्सनल ब्रांड होना कितना जरूरी है। जितनी जरूरी कंपनी की ब्रांडिंग है, जितनी जरूरी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है, उतनी ही जरूरी आपकी खुद की ब्रांडिंग भी है। दोस्तों पर्सनल ब्रांड आपकी रेपुटेशन है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म, आपकी पर्सनल वैल्यू, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके पीछे से लोग क्या बातें करते हैं, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। उदाहरण के तौर पर मैं 2 नाम लेता हूँ, श्री अमिताभ बच्चन, और मैं 2 सेम नाम के लोगों को जाता हूं, लेकिन एक अमिताभ बच्चन है, महानायक अमिताभ बच्चन। उनकी अगर बात करें पर्सनल ब्रांड की तो आपके दिमाग में क्या है? एक बहुत बड़े हीरो, एंग्री यंग मैन, कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सारी चीजों के साथ आप एसोसिएट कर पाए। एक दूसरे अमिताभ बच्चन है, नाम सेम है, कोई नहीं जानता वो क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका बिजनेस क्या है, व्हाट डू दैट अदर अमिताभ बच्चन स्टैंड फॉर, नोबडी नोज, दैट इज योर पर्सनल। आप खुद एक ब्रांड है, मी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है और आपको अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर रेगुलर काम करते रहना। आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड, विवेक बिंद्रा, अमिताभ बच्चन, ऐसे जो भी बड़े लेजेंड्स हैं इस कंट्री, हर इंडस्ट्री में, रतन टाटा, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जैक मा, इन सब लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड पे कंपनी के साथ साथ काम किया। आपको हर स्टेप में मैं बहुत आसान कर दूंगा कि अगले 2 से 3 साल में आप एक कैसे पॉपुलर ब्रांड बन सकते हो खुद। जैसे कि मैंने पिछले 3 साल में एक जर्नी तय की है, आज मेरे खुद के लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और अभी ये जर्नी चालू है, चल रही है। मैं हर रोज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी उसका एक हिस्सा है पर्सनल ब्रांडिंग का। तो आइए आपको बताऊं पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत कैसे होती है। पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत होती है आपकी स्टोरी से। मैं एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा, मुझे बहुत सालों तक ये समझ नहीं आया कि दिस स्टोरी कैन बी ए ग्रेट ब्रांड स्टोरी। रिफ्यूजी कैंप में पैदा होकर 300 रुपए की नौकरी से मैंने एक अपनी एम्पायर बनाई, एक बड़ा सक्सेसफुल 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब आईपीओ लाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की, यहां तक कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, अभी रिसेंटली बेस्ट सेल्स कोच का अवार्ड मिला। फिर मैंने अपने फेलियर्स की भी बातें की, ये सब आपकी सक्सेस, आपकी फेलियर, ये सब आपकी गिफ्ट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं एज ए स्टोरी, दैट बिकम्स योर पर्सनल ब्रांड, दैट हेल्प्स। वाह, बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है आपसे कि हाँ, रिफ्यूजी कैंप से पैदा होके कोई जिसको ना इंग्लिश आती थी, ना पैसा था, ना कैपिटल थी, ना मेंटर था, ना एजुकेशन थी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, आईपीओ लाया, लिस्टिंग की, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, तो मैं भी कर सकता हूँ। यहां से शुरू होती है आपकी पर्सनल ब्रांड की जर्नी, इट स्टार्ट विद योर ओन स्टोरी। दोस्तों 2019 के आसपास, आज से 2-3 साल पहले, लोगों का विश्वास कंपनी से उठने लग गया, वो सेलिब्रिटीज को लाने लग गए, किसी भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को ले लिया, किसी भी बड़े एक्टर को ले लिया, उनसे ब्रांड एंडोर्स कर दिया, उन्होंने खुद उन एक्टर से सेलिब्रिटी और ब्रांड यूज किया या नहीं किया, वहां लोगों को जरूरत पड़ी इस कंपनी ब्रांड के पीछे हु इज द रियल पर्सन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इलॉन मस्क। आप उनको देख लीजिए, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, अगर वो एक कस्टमर को भी कंप्लेंट, एक पिछले दिनों मैंने पढ़ा ट्विटर पे एक कस्टमर ने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट को उन्होंने खुद अटेंड किया, उसको भी स्टोरी बनाकर उन्होंने अपनी ब्रांड स्टोरी बनाकर सोशल मीडिया पे यूज किया। टाइम इज नाउ। अब पहले शुरू होते 3 साल पहले, 10 साल पहले शुरू होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब भी लेट नहीं है। आज आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू कर दीजिए, अगले 3 साल में आप देखेंगे कि जहां आप आज हैं उससे कई ज्यादा ऊंचाइयों पे आप पहुंच सकेंगे। दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा रोल डिजिटल प्रेजेंस का है। एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हुए गैरी वेनरचक, गैरी वी बोलते हैं उसको, उन्होंने कहा एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी, इफ यू डोंट एग्जिस्ट डिजिटली यू डोंट एग्जिस्ट। अगर आप डिजिटली एग्जिस्ट नहीं करते तो आप है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आपका हर कस्टमर, छोटा हो या बड़ा हो, B2B हो या B2C हो, वो आपको पहले गूगल करेगा, लिंक्डइन पे चेक करेगा, यूट्यूब पे चेक करेगा, इंस्टाग्राम पे चेक करेगा, अगर वहां आपकी प्रेजेंस नहीं है तो दोस्त आप तकलीफ। और पर्सनल ब्रांडिंग एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है बिजनेस में, कस्टमर्स में, वेंडर्स में, लोग ज्वाइन करते हैं मेरी कोचिंग ट्रेनिंग तजुर्बा, लोग मेरे पर्सनल ब्रांड को देख के
मुझे गूगल करते हैं, मेरे यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो हाई एनर्जी के साथ देखते हैं, एक विश्वास, एक ट्रस्ट बनता है कि जी हाँ, ये एक इंसान है जिसको 42 साल का तजुर्बा है, जिसने कामयाबी, जिसने फेलियर सब कुछ खुद देखा हुआ है, ये किताबी कोच नहीं है। लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। मेरा 90% बिजनेस विदाउट एडवर्टीजमेंट आता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से आता है। दैट इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। आपका मार्केटिंग स्पेंड कम होता चला जाता है, बिजनेस आपकी तरफ आता है, आपको बिजनेस चेंज नहीं करना। मैं अभी बात कर रहा था गैरी वेनरचक की, उनके पिताजी के एक वाइन की दुकान थी, रिटेल शोरूम था न्यूयॉर्क में, उन्होंने उठा के यूट्यूब वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि एक अच्छी वाइन की पहचान कैसे करें, किस तरह की वाइन किस तरह के खाने के साथ जाती है, किस तरह की वाइन की क्या क्वालिटीज है, क्या कीमतें हैं। वही से वो फेमस हो गए, आज उनका इतना बड़ा ब्रांड है। अगर वो एक आवाज करते न्यूयॉर्क में एक पार्क में, हजारों लोग उनसे मिलने के लिए जमा हो जाते, 800 लोगों की उनकी खुद की वेनर मीडिया करके कंपनी। That is the power of your personal brand. So start posting every day. Start कीजिए LinkedIn Gold Miner, बड़ा organic platform है, कोई पैसे खर्च नहीं होते। हर रोज एक case study, एक story अपनी expertise, जो भी आपके पास है story। आपके पास expertise है उसके बारे में डालिए। आप lawyer है, chartered accountant है, graphic designer है, videographer है, कुछ भी है उसके बारे में अपनी expertise का knowledge लोगों से share कीजिए। लोगों को अच्छा लगेगा कि आप अपना ज्ञान, अपना knowledge उनके साथ share कर रहे हैं, जैसे मैं आज आपके साथ इस video के जरिए share कर रहा हूँ। आपके कस्टमर की कोई सक्सेस स्टोरी हो, टेस्टिमोनियल हो, वो शेयर कीजिए। और केस स्टडी हो आपके पास, बहुत सारी स्टोरीज है। रोज एक आपको सिर्फ 15 मिनट लगा के पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, वही पोस्ट आप लिंक्डइन पे डालिए, वही पोस्ट आप फेसबुक पे डालिए, हो सके तो 4 से 5-10 मिनट का उसी का वीडियो बना के डाल दीजिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। फिर देखिए कमाल, 3 साल में आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, आपका ब्रांड बढ़ता जाएगा, आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। यहां पे एक बहुत अहम बात ध्यान देने योग्य है कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो सब लोग कर रहे हैं आप भी वही करेंगे तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग में उतना मजा नहीं आने वाला। कुछ डिफरेंशिएटर अपनी माइक्रो निच क्रिएट कीजिए। आप कितने बिजनेस कोचेस को जाते हैं, जब मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 5 लाख, 10 लाख। लाखों कोचेस है दुनिया में, लेकिन OKR कोच आप गूगल पर डालिए, बेस्ट OKR कोच इन इंडिया सुरेश मंसर। तो मैंने अपनी डिश क्रिएट की, इसमें सर्टिफिकेशन लिया, इसमें लोगों को सिखाना शुरू किया, इसके ऊपर किताबें लिखी, टेड टॉक किया, इसके ऊपर सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की, बहुत सारे वीडियो है मेरे पास टेस्टिमोनियल के, लोगों की इनकम दुगनी हुई, 90 दिन में उन्होंने OKR यूज करके अपनी टर्नओवर को दुगना कर लिया, 90 डेज में पूरे साल की टर्नओवर कर ली, ये सब काम हुआ। आज मैं बाकी बिजनेस कोचेस से एक अलग डिफरेंशिएटर फैक्टर पैदा हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, ध्यान लगाना है, डिस्कस करना है अपनी टीम के साथ कि आपका डिफरेंशिएटर फैक्टर क्या है और लोगों को छोड़ के आपके पास क्यों है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में और भी बहुत लोग कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्रिएट योर ब्लू ओशन, यू हैव टू क्रिएट योर निश, यू हैव टू क्रिएट योर माइक्रो निश। तो दोस्तों, पर्सनल ब्रांड करने के लिए मैं आपको 2-4 स्टेप फिर और बताता हूँ। एक मैंने बताया डिजिटल, एक अपनी एजेंसी से SEO जरूर कराइए, बेस्ट OKR कोच इन इंडिया ऐसे ही नहीं आया, उसका SEO हुआ हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कुछ कीवर्ड जो पॉपुलर कीवर्ड है जिसपे सर्चेज होती है उस पे SEO कराइए, अपने वीडियो जैसे मैंने बनाए, जो भी आप केस स्टडी, किसी भी तरह का कस्टमर एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल, इस तरह के वीडियो आपकी डेली पोस्ट होने चाहिए लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस के लिए आप अलग ब्रांडिंग करेंगे, तजुर्बा की अलग ब्रांडिंग होती है, सुरेश मंसरमानी की अलग ब्रांड होती है, ये दो अलग अलग एंटिटी है, इसको मिक्स नहीं करना। तजुर्बा से मुझे फायदा होता है, मेरे से तजुर्बा को फायदा होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अलग अलग होते हुए भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सो वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड सेपरेटली, ऑन योर बिजनेस ब्रांड सेपरेटली। तो सबसे पहली बात है किताब जरूर लिखिए, बिकॉज किताब लिखने से आपकी ब्रांड अथॉरिटी बहुत ऊंची हो जाती है। जब आप अपने कस्टमर को साइन करके किताब देते, कितनी रिस्पेक्ट उसके मन में आपके लिए आती, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका ब्रोशर कस्टमर फेंक देगा लेकिन आपकी किताब नहीं फेंकेगा। और किताब लिखना बहुत आसान है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अगला बना के आपको अगले हफ्ते जरूर इसके ऊपर वीडियो मिलेगा, किताब कैसे लिखें आप 60 और 90 दिन के अंदर एक किताब लिखे। मैंने 6 किताबें लिख चुका हूँ पिछले 1.25 साल के अंदर और लिखता ही रहूंगा, हर साल 4 से 5-6 किताबें लिखूंगा। आज कहीं भी मेरा इंट्रोडक्शन होता है, 3 times TEDx स्पीकर, ऑथर ऑफ 5 books, 6 books, कितना बड़ा वजन। नंबर 2, डेली पोस्ट ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आधा घंटे से ज्यादा आपको इसके ऊपर नहीं लगेगा। नंबर 3, एक अच्छी वेबसाइट आपकी, आप मेरी वेबसाइट देखिए suresh.mansharamani.com कितनी प्रोफेशनली बनी हुई है। नंबर 4, एक अच्छा विजिटिंग कार्ड जिसपे आपकी फोटो होनी चाहिए और बढ़िया ग्राफिक डिजाइनर से बना हुआ।
क्योंकि जहां भी आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, फिजिकल वन टू वन मीटिंग होती है, आप अपना कार्ड देते हैं, दैट इज योर इंप्रेशन। बात जो आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कोई इमेज कंसल्टेंट को हायर कीजिए, अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में किताबें पढ़िए, यूट्यूब पढ़िए। मैं भी एक वीडियो बना के डालता हूं कि किस तरह के कपड़े पहने आज आपको कैसा लग रहा है। ये एक इंप्रेशन है, यू डोंट गेट ए सेकंड चांस टू मेक ए फर्स्ट इंप्रेशन। आप किसी भी ग्राहक को, किसी को भी मिलते हैं, किसी काम के लिए कहीं भी मिलते हैं, आपका इन्फ्लुएंस आपके ड्रेस से पहले 7 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में सामने वाले के सब पर्सनल माइंड में पड़ता है। इट स्टार्ट टू लाइक यू और डिसलाइक यू। आज अगर मैं एक गंदी टी शर्ट में, मैली टी शर्ट में, मुथरी टी शर्ट में शेव नहीं बनाई होती और आपके सामने वीडियो बना रहा होता, आपको क्या लगता? किसी भी तरह का कोई भी बात पे बढ़िया से बढ़िया बात करता, लेकिन वो इंप्रेशन नहीं पड़ता जितना मैं आज ठीक से। बहुत महंगे कपड़े नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहने, लेकिन अच्छे कपड़े पहने जो आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ सूट करे, वैसे कपड़े पहने, वैसा मैचिंग टाई, वैसे सॉक्स, वैसी बेल्ट, वैसा पॉकेट स्केल। तो जब आप इन चीजों का ख्याल करेंगे और फिर जो आप बात कर रहे हैं वो अलाइन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप टेबल पे दारू पी के डांस कर रहे हैं, दैट विल स्पॉइल योर पर्सनल। Your every social media post, जो भी आप statement दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हर बात आपके brand के साथ align होनी चाहिए। One to one communication में आप जब किसी से बात करेंगे, तो वो आपको quote करेगा कि सुरेश जी से ये बात हुई, वो ये कह रहे थे। वहाँ से आपका एक impression, एक brand शुरू हो जाएगा। तो be very careful what you, और जितना brand बढ़ता चला जाएगा, उतना careful रहना कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, publicly everything, your life become public life। तो क्या आपकी value system है? इन सब चीजों से मिलके एक पर्सनल ब्रांड बनता है, वो है आप। तो दोस्तों, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल। आप स्लो बोलते हैं, स्लो बोलिए, तेज बोलते हैं, तेज बोलते हैं। आप काम कंपोज है, काम कंपोज रहिए। आप अग्रेसिव है, अग्रेसिव रहिए। व्हाटएवर यू आर, वैसे रहिए। और फाइनली एक बोनस पॉइंट देता हूं कि इट्स ऑल अबाउट इमोशन, इट्स ऑल अबाउट पीपल टू पीपल, ह्यूमन टू ह्यूमन, एच टू एच। हर रोज आपने एक बंदे की मदद करनी, किसी एक को, किसी के लिए आप गूगल रिव्यू लिखिए, फेसबुक पर रिव्यू लिखिए, ट्रिप एडवाइजर, जोमेटो पर रिव्यू लिखिए, मेक वन पर्सन हैप्पी। 365 लोगों के लिए जिंदगी में कुछ करिए, ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा कीजिए। हर एक आदमी आपके लिए कम से कम 1000 लोगों को जाके बताएगा, वाह क्या इंसान है यार, हर एक की मदद। आप सोचिए 5 साल में आपके 1800 ब्रांड एम्बेसडर, जब लोग आपके बारे में बात करेंगे जगह जगह जाकर, लोग आपको लिंक्डइन पे पूछेंगे क्या आपको टेकटॉक करना है, आपके बारे में आपका पॉडकास्ट हमने छापना है, आपको एज ए स्पीकर हम इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सनल ब्रांड बन गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों का भला होगा। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले और मैं हर रोज एक बढ़िया वीडियो अपने नॉलेज और तजुर्बे से भरा हुआ डेली पोस्ट।